ये ट्रेन पढ़ना रिलेटेड है करें
पैराग्राफ हाँ ही दिसो जो है चैप्टर वन आवर कंट्री पाकिस्तान असा मुल्क पाकिस्तान द नेम आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान असो मुल्क नालो है पाकिस्तान है पाकिस्तान केम इंटू बींग ऑन 14th August 1947 पाकिस्तान वजूद में आयो 14 August 1947 द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद पाकिस्तान के गादी हंध है इस्लामाबाद पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान जहाँ 4 सूबा हैं दे आर ये हैं सिंध खैबर पख्तूनख्वा शॉर्ट फॉर्म इन के पी के जो पंजाब बलोचिस्तान लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान बिलो यू कैन सी द प्रोविंसेस ये जो नक्शो है इन में ऐसो ये पंजाब है बलोचिस्तान सजी एरिया है सिंध जी एरिया है ये पंजाब ये के पी के सही एक्टिविटी है इन में तवाला था जॉइन द डॉट्स टू मेक द मैप ऑफ पाकिस्तान राइट द नेम ऑफ द प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल सिटीज इन द स्पेस प्रोवाइडेड इतने तक ये सजो लाइन पढ़नी है जिते जिते नुकता नक्शो तैयार इतना तसो इन वागुर उनमें जिते ही प्रोविंसेस जहाँ नाला लिखल ये लिखना है ठीक है ये निशानी दिनल इतने तक नाला लिखना हि तुधायण विसरी तो हि जो बलोचिस्तान है सूबो इन जो कैपिटल सिटी है क्वेटा है सिंध जो कैपिटल जो है सिटी कराची पंजाब जो कैपिटल है लाहौर पेशावर जो के पी के जो कैपिटल है वह पेशावर ये तक लिखना इतने सही है ये तो नोट कर छो हर चैप्टर टू आर फ्लैग अस झंडो लुक एट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान झंडो आने दिसो तुधा चुको अच्छो रंग ही साओ रंग इन निशानी तुधाऊँ मतलब बुधा ये सिंबल आने क्रेसेंट ही स्टार द कलर्स ऑफ द फ्लैग आर ग्रीन एंड वाइट झंडे रंग आए अच्छो साओ साओ या अच्छो लिखल है अच्छो साओ वाट डू द कलर शो ये रंग जाहिर कन द ग्रीन कलर शोज प्रॉस्पर्टी एंड द मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो साओ कलर है वो खुशहाली तो जाहिर करे मुसलमान जी एक्सरेस जाहिर तो करे द वाइट कलर शोज पीस एंड माइनॉरिटी जो अच्छो कलर है वो जाहिर तो करे अमन ही अकलियत सही द सिंबल्स ऑन द फ्लैग आर द क्रेसेंट एंड स्टार ये जो निशानी है झंडे की जैमें चंड तारो ठहल है सही है ये सिंबल चाहान है वाट डू द सिंबल शो जगह निशानी छा थी जाहिर करे द क्रेसेंट शोज प्रोग्रेस जो इन चंड ठहल है वो तरक्की तो जाहिर कराए द स्टार शोज लाइट एंड नॉलेज जो तारो है वो जाहिर तो करे रोशनी ही नॉलेज जान इल्म द फ्लैग शोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री जो ये झंडो है ये मुल्क की सुणप जाहिर कह सही है हर कें मुल्क की पैंपी सुणप होंगी है उनजो पाँचा झंडा होंगे हाँ एक्टिविटी है ड्रॉ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड कलर इट तुम पैं कापी में झंडो ठायो उनके कलर कयो इन में एक नॉलेज है डू यू नो खबर है द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वॉज डिजाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई जो झंडो हो यो डिज़ाइन कर वो हो अमीरुद्दीन किदवाई इन डिज़ाइन
हैं लाइक पाकिस्तान ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन फ्लैग्स जीअं पाकिस्तान जो झंडो आहे अहिड़ी तरह जीअं ॿिए मुल्क आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा पंहिंजा झंडा आहिनि द फ्लैग्स ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज आर गिन बिलो हीअ जेके झंडा आहिनि असांजा पाड़ेसरी मुल्कनि जा झंडा आहिनि चाइना जो आहे झंडो इंडिया जो आहे ईरान अफ़गानिस्तान हीअ चारई असांजा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि हाणे तव्हांखे हिते लिखणा आहिनि हीअ टेबल ठहियलु आहे कंप्लीट द टेबल तव्हां पंहिंजी कापी में ही ड्रॉ कयो टेबल उन में लिखो नेबरिंग कंट्री या नेम लिखो सही आहे नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्री लिखियलु आहिनि नेम ऑफ द कलरिंग ऑफ द फ्लैग ऐं उन्हनि सां गॾु हीअ जेके कलर आहिनि हीअ सभु लिखो ऐं पोइ वरी हिनजो सिंबल जेको आहे न हीअ ड्रॉ कयो हिते हर कंहिं सां गॾु ठीकु आहे हींअर आहे पंहिंजो चैप्टर 3 क़ाइदे आज़म क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान जे बानी आहे केरु क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना ही वॉज बॉर्न ऑन 25 December 1876 इन कराची इहो 25 December 1876 ते कराची में पैदा थियो ही वेंट टू स्कूल इन कराची स्कूल वियो कराची में आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल जीअं ई पंहिंजो स्कूल पूरो थियो त ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ पोइ वरी इंग्लैंड वियो क़ाइदे आज़म पढ़ण लाइ वधीक पढ़ण लाइ लॉ जी डिग्री हासिलु करण लाइ माना कानून जी डिग्री ही बिकेम अ लॉयर पोइ ही वकील थी वियो हिन में ही जेके पिक्चर्स आहिनि क़ाइदे आज़म इज़ द स्टूडेंट ठीकु आहे स्टूडेंट दौरान पिक्चर आहे ही लॉयर जीअं वकील थियो त पोइ हुन जी पिक्चर आहे ही क़ाइदे आज़म इज़ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग जॾहिं मुस्लिम लीग जो लीडर हो क़ाइदे आज़म त उॾहिं ही स्पीच जे दौरान पिक्चर आहे अॻियां वधूं था वैन ही रिटर्न होम जॾहिं वतन वापसि आयो ही जॉइंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल हिन शी उन जदोजहद में शामिलु थियो जेका आज़ादी लाइ हुई ब्रिटिश जे रूल खां लेटर ऑन ही लेड द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान पोइ ही कामयाबु थिया पाकिस्तान जे जदोजहद लाइ हिन में ई आहिनि मीटिंग क़ाइदे आज़म मीटिंग विथ ब्रिटिश क़ाइदे आज़म टेकिंग द ओथ ऑफ गवर्नर जनरल ही हैज़ द टर्म ऑफ क़ाइदे आज़म सही आहे हाणे ही वर्कड वेरी हार्ड विथ अदर टू मेक पाकिस्तान हिन इलाही कमु कया महिनत कई जदोजहद कई पाकिस्तान खे ठाहिण लाइ ॿियनि सां गॾो गॾु सभिनी मिली करे पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14th August 1947 जदोजहद जॾहिं पूरी थी कामयाबु थिया त पोइ पाकिस्तान जेको वजूद में आयो होॾहिं 14 August 1947 हुई ही वॉज़ द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इहो पाकिस्तान जो पहिरियों गवर्नर जनरल हो ही डाइड ऑन 11 September 1948 क़ाइदे आज़म जी वफ़ात थी 11 September 1948 ते हिस टॉम इज़ इन कराची हिन जो जेको मुक़बरो आहे कराची में आहे ही आहे द टॉम ऑफ क़ाइदे आज़म हींअर आहे पंहिंजी एक्टिविटी मेक द फैक्ट फाइल ऑन क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना बाए कंप्लीटिंग द सेंटेंस हाणे हीअ जेका असांखे फाइल ठहियलु आहे हक़ीक़त जेका आहे उन ते क़ाइदे आज़म जे बारे में आहे असांखे हीअ सॼी फिल करणी आहे नेम डेट ऑफ बर्थ नेम आहे क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना डेट ऑफ बर्थ 25 December 1876 प्लेस ऑफ बर्थ कराची प्रोफेशन लॉयर अचीवमेंट्स अचीवमेंट में लिखो त कहिड़ियूं शयूं हासिलु थियूं क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना खे त
ही लेड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ये सब अचीवमेंट्स इन पंजे चैप्टर के हिसाब से जो लिखल पढ़ी वन लिखी वन. डेट वेन ही डाइड 11 सेप्टेंबर 1948. प्लेस वेयर इज बरीड इन कराची.